हेलो गाइस, लेक्चर नंबर 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मैं ऐसी चीजें इसको एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके ऑर्गेनिक में काम आ जाएगी। मेसोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन रेजोनेंस आपको इनऑर्गेनिक में है, मेसोमेरिक आपको ऑर्गेनिक में है, लेकिन ये टॉपिक मेरे को यहाँ पे बताना बहुत ही जरूरी है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट एक तरफ से रेजोनेंस ही कहते हैं, लेकिन इस पे एक डिफरेंस होती है कि इसमें क्या होती है, जो कॉन्जुगेशन होती है, जो अभी आप पढ़ किया है कॉन्जुगेशन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन आपकी कंपल्सरी रहती है। कॉन्जुगेशन को यहाँ पे कंपल्सरी माना जाएगा, तो इस बात को नोट कर दीजिएगा, कॉन्जुगेशन कंपल्सरी। लेकिन रेजोनेंस क्या बोलती थी, शिफ्टिंग ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोलता है, इफ इफ एनी ग्रुप या आपका कोई भी एटम हो, इफ एनी ग्रुप एंड एटम विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेजोनेंस इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो इस बात को आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, ये अभी तक आप समझ गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, पहले उसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल है, यहां पे मैं ले लेता हूं CH2, रेजोनेंस का ही लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2OH, इसका मेसोमेरिक इफेक्ट निकालना है आपको। तो आप इसका मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पे मैं बताता हूं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो लोन पेयर यहां पे जाएगा, अभी कर्ज तो थोड़ी ये लेगा, फिर ये यहां से जाएगा जो रेजोनेंस में बताया हुआ है, और ये यहां को जाएगा। अगर नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो देख सकते हैं, या किसी और यूट्यूबर की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे बताइए कि ऑक्सीजन से ही पाई इलेक्ट्रॉन क्यों गया, ठीक है, ऑक्सीजन से ही। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड O, तो ये लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये अब यहां पे बताइए कि लोन पेयर फर्स्टली यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन होगा जो आपका, वो ऑक्सीजन से ही जाएगा, इस बात का याद रखिएगा, ऑक्सीजन से ही जाएगा। अब यहां पे आपके पास 2 केस आ गए कि पाई इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, नाइट्रोजन से कि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यहां से बोर्ड एग्जाम में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तभी हम इसको ये कहते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ विद द हेल्प ऑफ ए रेजोनेंस, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब मेरी एक बात रखिए, मैं हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा, चलो इंग्लिश में भी मैं ही कर लूंगा। अब हिंदी में मैं बताता हूं, हिंदी में बताता हूं, इसको याद रखिए, कार्बन ही खुद के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, रिपेल और अट्रैक्ट, उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे। रेजोनेंस में होता था लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में नहीं होता है। कार्बन अगर अपने ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल और अट्रैक्ट करे, उसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक नोट और है जो आपके एग्जाम में आता है और पूछा भी जाता है, यहां पे जो एग्जाम्पल आपका यहां पे रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के काम आएगा कि ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं, इस रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा ही इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, एक तरफ से विड्रॉ होंगे, इसको इज रेजोनेंस। बट ऑल रेजोनेंस इफेक्ट इज अ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
रेजोनेंस तो सिंपल था, अब मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स आएंगे। तो टाइप्स आएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के, तो वो आएंगे टू टाइप्स के। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट है आपका, जैसे कि ये है आपका टू टाइप्स में, एक होगा प्लस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, कोई भी यहां पे एग्जांपल्स लिख लेता हूं। मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एग्जांपल है इसका, अब यहां पे नोट रखिएगा, एक आपके पास बेंजीन रिंग है, ये देखिए बेंजीन रिंग है, इस तरह से लगते हैं उस पर, और यहां पे कोई भी हैलाइड है एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बेंजीन रिंग को, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग होगी, दैट इज योर, जो आपका हैलाइड है वो आपका लोन पेयर होगा, और आपका एक्स या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक ट्रिक है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, कभी भी लोन पेयर और ये आ जाएगा तो कुछ नहीं देखना, तो उसका मतलब है वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, प्लस सी एम इफेक्ट शो करेगा। अब कैसे वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा उसके बारे में पता करेंगे। तो प्लस एम इफेक्ट शो करने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, फिनोल का। तो फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, लेकिन मैक्सिमम को नहीं होगा पता, क्योंकि जब हम भी आपके लेवल के थे तब हमें ट्वेल्थ में ही उसका पता लगा था। तो यहां पे जिसके ऊपर बेंजीन के रिंग के ऊपर OH लग जाता है उसको आप बोलेंगे फिनोल, फिनोल। अब आपको पता है यहां पे क्या है, लोन पेयर आ गया, तो मींस प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब रेजोनेंस चलेगी, ये लोन पेयर इधर को जाएगा, फिर यहां से इधर को जाएगा, इधर से यहां को जाएगा, तो मैं बता देता हूं ऐसे ऐसे जाएगा, तो मतलब ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। अब आपके पास सिमिलरली रेजोनेंस आपको बता दी गई है, वहां से आप देख सकते हो, आपकी ही प्रैक्टिस है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका NH2। अब आपको पता है यहां पे लोन पेयर है, बेंजीनिंग है, अब ये बोलेगा जी मुझे वापस दो, इसने इसके साथ लिया होगा तो ये बोलेगा वापस दो, फिर ये बोलेगा वापस दो, इसने इससे, दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस के पास बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्लस एम इफेक्ट होगा, कि प्लस एम इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन होगी, ये आपके पास लोन पेयर होगा और आपके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्लस एम इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम माइनस एम इफेक्ट, तो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आपका माइनस एम इफेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइनस एम इफेक्ट। माइनस मतलब एम इफेक्ट में ये भी एक बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, रिंग होगी, अगर पाई इलेक्ट्रॉन रिंग को सजाएगा तो समझ लेना ये माइनस एम इफेक्ट है। ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा जो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग सजाएगा तो समझ लेना ये माइनस एम इफेक्ट है, समझ लेना माइनस एम इफेक्ट है जो पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन कौन सजाएगा वो भी हम देख लेते हैं। अब यहां पे आपके पास आ गया एक एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पे हमने ले लिया NO2। अब मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर थोड़ी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन सजा रहा है, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पाई, लेकिन बेंजीन पे मत करना नोट, साइड से करना नोट, पाई रिंग सजा रहा है, पाई 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 पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय बेंजीन थ्रू रेजोनेंस। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय बेंजीन थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू ये जाएंगे, थ्रू रेजोनेंस, तो वैसे हुआ, बाकी रेजोनेंस इफेक्ट चलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब यहां से एक नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट आ जाता है यहां पे कि जो प्लस एम इफेक्ट है वो मोर स्टेबल होता है नो इफेक्ट से, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं हो, और सबसे लास्ट पे होता है माइनस एम इफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन हम ही करेंगे। तो ये इफेक्ट अभी तक याद रखिएगा, केवल समझने के लिए कि ये इफेक्ट होता है, क्योंकि नोट्स की कंडीशन है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपकी डिक्रीज होगी इन होल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, इन होल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझेंगे इसके रिलेटेड जो आपके आते हैं। तो एग्जांपल है, अगर आईआईटी सही किया तो उसको खुद ट्राई कीजिए एक्सरसाइज, जहां पे डाउट होगा वहां पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो यहां पे आपकी जो ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन है ये लगा हुआ है यहाँ। अब यहां पे लगा हुआ है ओ एच। अब आपको पता है लोन पेयर आ गया, कुछ नहीं सोचना, दिस इज योर प्लस एम इफेक्ट। कई बार एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है अभी, तो इंडक्टिव इफेक्ट मैं आपको केस बताऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इन होल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये पैरा पे है और ये ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे नहीं है पैरा पे है, तो मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे डिक्रीज होती है वहां पे माइनस आई इफेक्ट होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी, ये आप इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेंगे, डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी वहां पे आपका माइनस आई इफेक्ट होगा, तो इसमें मोस्ट स्टेबल कौन होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसी बातों का नोट कर लीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। अब इसी के बेस पे एक और टॉपिक आता है आपका हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन टॉपिक वाइज चलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आपके फोर मेन्स रहते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू बनते हैं लेकिन है ऑर्गेनिक में, तो मैं यहाँ पे ही आपको इसको करवा दूंगा। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर मींस बहुत गुस्सा, कई बार टीचर गुस्सा हो जाते हैं तो उसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कितना ही पढ़ने वाला हो उसको भी बोल सकता है। तो हाइपर कंजुगेशन का मतलब है नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि ये बहुत गुस्से वाला है, पता नहीं इलेक्ट्रॉन करेगा, तो हमने बोला ये नहीं करेगा तो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा तो पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल की रेजोनेंस होगी, तो यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको थ्री टाइप्स में इसको पढ़ना होगा, सॉरी फोर। पहला आता है आपका कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन होता है जैसे कि CH3 CH2 पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हो, आ जाती है कई बार डेफिनेशन। एक आता है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी कार्बोकेटायन की तरह ही होता है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, CH3 CH डॉट लगेगा, ये आपको याद रखना होगा। और इसके बाद आता है आपका अल्किन, अल्किन का तो आपको पता है जहां पे डबल बॉन्ड लगता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये देखिए कार्बन की वैलेंसी को नोट रखिएगा। अब कार्बो एनायन भी आएगा क्योंकि कटायन भी है, कार्बो एनायन ये आपका फोर्थ है, जहां पे आएगा CH3 CH नेगेटिव। कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है गिव द फोर टाइप्स ऑफ ए हाइपर कंजुगेशन और एग्जांपल, तो इसको आप प्लीज नोट रखिएगा। तो अब हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, तो हाइपर कंजुगेशन को यहां पे कर दिया जाता है और हम नेक्स्ट पेज का यूज करेंगे इस पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाइपर कंजुगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक नोट लिखिएगा, मोर हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतना ही आपका स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। अब यहां पे आता है क्वेश्चन, रखिएगा, मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कि यहां पे ले लिया CH3 कार्बोकेटायन का ही CH2 पॉजिटिव, मैं आपसे पूछूंगा और एक कंपैरिजन में ले लिया CH3 पॉजिटिव, इसमें मोस्ट स्टेबल बताइए, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बताइए। आप मेरी बात याद रखिए, जो पॉजिटिव साइड से परली साइड को कार्बन है उसके हमने कार्बन के हाइड्रोजन को वो गिनना है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं है इसके परली साइड, तो इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोस्ट स्टेबल ये हुआ। तो ऐसे आपको सेट जेफ रूल में पढ़ेंगे, तो यहां पे रखिएगा याद, द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। अब मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा कि आप बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि आपके यहाँ CH3 CH पॉजिटिव, टोटल बताइए, अब टोटल इसमें नहीं होगा कंपेरिजन, इसकी परली साइड देखना, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए, 6 अल्फा एच मतलब हाइड्रोजन, मतलब 6 नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेंस, 6 नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेंस, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव की परली साइड को देखना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब एक और एग्जांपल दूंगा मैं, उससे और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये एग्जांपल आपका CH3
एच सी एच पॉजिटिव, और सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। अब मेरे को बताइए इसमें अल्फाइड होता है, आप देखेंगे इसके परली साइड, परली साइड को देखना है। अगर मान लो यहां पे होता तो वो हम यहां पे, मान लो अगर ये कंपाउंड ऐसे हो जाता सी एच थ्री, तब हमने इसको भी, लेकिन हमने इसका फर्स्ट, क्योंकि ये आगे और रिंग बना रहा है, लेकिन हमने देखना है ओनली फर्स्ट। तो इसके पास कौन कितने हैं टोटल, कितने हैं, एक एच नीचे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे सी एस थ्री होता तो यहाँ पे जीरो लगता, लेकिन एच इसके साथ है तो यहाँ पे एक अल्फा। इसको इग्नोर कीजिए, ये समझाने के लिए है, और यहाँ पे इनको नहीं मैटर कीजिए क्योंकि ये रिंग के साथ लगे हुए हैं। ये कितने अल्फा टोटल कितने आए, टू अल्फा एच हाइड रोजन, ठीक है। दैट इज योर नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेंस। कई बार यहाँ आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड रेजोनेंस, तो मोर हाइपर कंजुगेशन के बारे में आपको यहां तक समझ आ ही गया होगा, तो ऐसे आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोकैटायन का केस जो पहला है। मैं एनायन का नहीं करूंगा, एनायन का भी बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही आपने फाइंड करना है। सटजेक्स रूल में आप इसको बिल्कुल क्लियरली पढ़ेंगे, ओके। तो इसके बाद आता है आपका एक जेई का क्वेश्चन आया हुआ था, मैं बता देता हूँ, ये है जेई। मेरे ही स्टूडेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेई क्वेश्चन है ये। तो जेई में एक बार ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यहां पे आ गया सी पॉजिटिव सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। तो यहां पे भी आ गया सी एच थ्री। अब फाइंड करो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब देखेंगे इसकी परली साइड कार्बन, थ्री अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितने आए, इसके परली साइड कितने हैं, टू अल्फा। लेकिन यहां पे बेंजीन है, बेंजीन के साथ देखना, यहां पे दो एच है, दो एच लगते हैं, ऐसे ऐसे लगते हैं। तो यहां पे एक तो है, यहां पे एक एच होगा, सी एच होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक अल्फा। तो यहां पे थ्री अल्फा, टू अल्फा, फाइव अल्फा एंड सिक्स अल्फा, टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे इसको आप फाइंड करेंगे। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जेई का ही है, ठीक है। एक ऐसे दिया हुआ अरेंजमेंट, सी एच थ्री पॉजिटिव, ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू पॉजिटिव, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, सी एच थ्री सी पॉजिटिव एच सी एच थ्री, और डी है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री पॉजिटिव। मेरे को बताइए इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल। स्टेबल को फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबल। तो यहां पे देखिए हाइपर कंजुगेशन का क्या है, अल्फा देखने, इसके पास है जीरो अल्फा, कोई नहीं है। इसके साथ एक लगा हुआ है थ्री अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ कितने लगे हुए हैं सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ कितने लगे हुए हैं नाइन अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर स्टेबल इस साइड से आएंगे, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, तो ये इसका अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये बना आपका, आपका क्या बना क्वेश्चन। अब फ्री रेडिकल है, बिल्कुल सेम है आपका कार्बोकैटायन की तरह, और आपका जो एनायन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैं एक इफेक्ट करवाऊंगा हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्किन, जो आप सेटजेफ रूल में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा वहां से, इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में, प्लीज उसको तो जरूर नोट कीजिएगा, वही से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पे लिखूंगा मैं हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्किन, हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्किन एल्किन। तो ये अभी से याद रखो कि सेटजेफ रूल आपको बताएगा, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल बताएगा। तो ये सेटजेफ रूल करवा दिया जाएगा बाद में, लेकिन डिटेल्स में चलेंगे, ठीक है। सटजेफ रूल ने क्या बताया, जैसे कि ये है डबल बॉन्ड, ये है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री। तो हाइपर कंजुगेशन ने बताया था कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इसके साइड, लेकिन इस केस में क्या है, जो ये अल्किन है, ये अल्किन के कार्बन से अगले वाले देखने की कहां पे है, उनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके डबल बॉन्ड क्या है, ये है थ्री अल्फा और ये है थ्री अल्फा, ये है थ्री अल्फा, ये है थ्री अल्फा, टोटल सिक्स सिक्स 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे इसको आप फाइंड करेंगे, बट एक क्वेश्चन मैं भी करवा देता हूं। तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो यहां पे मैं पहले लिखूंगा क्वेश्चन है ये, यहां पे है एक एच सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री, ये है आपका एक कंपाउंड, एक ये है आपका सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच, ये इसको ए डाल दीजिए, इसको बी डाल दीजिए। अब सी डालेंगे हम, तो सी के लिए एच सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री, यहां पे बना और एच, दैट इज योर सी। मैं बता रहा हूं यहां पे मोस्ट स्टेबल फाइंड करो आप, और ये क्वेश्चन आता है मोस्ट स्टेबल फाइंड, ठीक है। तो फाइंड करेंगे, तो इस पे आप अप्लाई करेंगे हाइपर कंजुगेशन अभी तक।
जब अलकिन का फेस आए वहां पे आपने हाइपर कंजुगेशन या सेट जैफ रूल पर फॉलो करना है। तो यहां पे आप फाइंड करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसके पॉलीसाइड कितने हैं, 3 अल्फा, देख लीजिएगा डिफरेंट है क्वेश्चन, टोटल कितने आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये कितने आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अभी इसको मत गिनना, ये इसी के साथ अटैच होता है एक सी एच, मतलब इसकी पल्ली साइड, यहां पे अगर सी एच थ्री होता तब लिखते, और यहां पे भी 3 अल्फा, अब यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा, टोटल कितने आ गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, अब भागे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके बाद करेंगे क्या, तो इसके बाद जो सबसे पहले आएगा आपका वो मैं बताता हूं क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए ये और ये क्या डिफरेंस, अब इस पहली की स्ट्रक्चर को देखो, ये एक तरफ से क्या है, सेम साइड में, हमने इसमें ये देखना है कि जिस अल्फा हाइड्रोजन अगर एक साथ आगे, मतलब एक ही लाइन पे आगे, जैसे कि आपका सिस सिस फॉर्मेशन में आ गया, ये एक ही साइड पे आ गया, एक ही साइड पे आ गया ना, ये आ गया, दैट इज योर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल रहेगा आपका। अब यहां पे मैक्सिमम सोच रहे हैं, तो सर ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल है, तो इसका केस भी बताऊंगा, लेकिन पहले ए लिखिए। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है ट्रांस है और ये क्या है सिस है, इन दोनों के कंपैरिजन में बताया मैंने, इन दोनों के कंपैरिजन में सिस और ट्रांस है, लेकिन इस केस में नहीं है ऐसा, इन दोनों के। अब ई जेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है हमने, ई जेड में पढ़ा है हमने ई मोर स्टेबल है, तो ई कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है इनमें, ई कॉन्फ़िगरेशन इनमें कौन सी है, ये है, ई को आप क्या बोलते हो ट्रांस बोलते हो, और जेड को आप क्या बोलते हो सिस बोलते हो, ठीक है। तो ई इसमें ई कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ई इज अ मोर स्टेबल ई, या आप लिख सकते हैं ट्रांस इज अ मोर स्टेबल देन सिस, तो यहां पे ट्रांस है तभी सी आया, ग्रेटर देन बी आया, तो पहले हमने सेम साइड देखनी, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये सिस और ट्रांस नहीं बनेगी इन दोनों के केस में, ये ओनली सी केस, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी ये सीरीज यहाँ पे पूरी कंप्लीट होते हुए, तो ठीक है दोस्तों, अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और आपके जो रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कंप्लीट हो गए। मैं इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो भी बना दूंगा बहुत जल्द, लेकिन मैं आपके कुछ और कॉन्सेप्ट करवा दूंगा वंडरवॉल इंटरेक्शंस के बारे में। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।